आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आर्टिकल 370 के बाद, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पोस्ट आर्टिकल 370। हमारे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने व्यस्त समय के दौरान भी आपने जो है समय निकाला इसके लिए। डॉक्टर सिंह, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप जो है पे अपने विचार हमारे साथ शेयर करें, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पोस्ट आर्टिकल 370। धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले तो सबका अभिनंदन है और सभी अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, टेक केयर। आजकल कोई भी इस प्रकार की चर्चा का प्रारंभ होता है, बैठक का होता है, तो पहले एक दूसरे के स्वास्थ्य और उसके वेलबींग की चिंता की जाती है। तो आई एम श्योर एवरीबडी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ। अब अरुण जी, मैं चाहूंगा कि मैं आरंभ में संक्षेप में ही कुछ बात रखूं, बहुत ज्यादा लंबी मोनोलॉग करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स रख करके वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। उससे थोड़ा सा हमारे भी ध्यान में आ जाएगा कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका किन किन विषयों में, खास खास पहलुओं में रुचि है, और उसी पर हम ज्यादा विस्तार में आगे वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहा जाए कि जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर लद्दाख 370 उसके बाद, तो सच पूछिए तो जो गत लगभग 10 महीने का अंतराल रहा है, ये अपने में एक ऐतिहासिक अंतरकाल रहा है, 5-6 अगस्त से लेकर के आज तक का। और ऐतिहासिक इसलिए भी कि ना केवल इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दिशा बदलने का कार्य किया है, बल्कि सारे देश को एक नया आयाम दिया है, एक नया हौसला दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक निष्ठावान नेता के रूप में और एक इच्छा शक्ति से भरपूर नेता के रूप में एक छवि स्थापित करने का काम विश्व भर में हुआ है। और इसी प्रकार से मैं ये कहूं कि गत 10 महीनों का अंतराल एक प्रायश्चित का अंतराल था, वर्षों की कुताइयों की भरपाई का समय, 3 पीढ़ियों के चले आ रहे संघर्ष के प्रायश्चित का, 3 पीढ़ियां और 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने जीवन खपा दिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये बदलता हुआ दृश्य देखने का सौभाग्य हमारे हिस्से में आया, और बहुत ज्यादा मात्रा में तो ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत, इफ नॉट इन अ वेरी लार्ज मेजर, एटलीस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मेजर, हम भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने। और शायद ये इसलिए भी हुआ कि परमात्मा को ये मंजूर था, परमात्मा की विधाता की यही इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करें, और तभी ये पुण्य का ऐतिहासिक कार्य संपन्न हो। अब इसमें आपने देखा होगा कि मैं आगे की बात करने के साथ साथ ये 5-6 महीनों का भी थोड़ा सा उल्लेख कर दूं। 5-6 अगस्त तक ये अटकलें लगाई जाती थी और ये टिप्पणियां की जाती थी कि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है, ये होगा तो भूकंप आ जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, यहां पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। एक ने तो ये भी नेता ने कह दिया था कि मोदी जी अगर 7 जन्म लें तो तब भी ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम चला है आपने देखा। मैं समझता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिव सीजन्स इन द लास्ट 1 ईयर। इसी दौरान ईद आई, इसी दौरान मुहर्रम आया, इसी दौरान दीपावली आई, इसी दौरान होली आई, इसी दौरान गणतंत्र दिवस आया, इसी दौरान स्वतंत्र दिवस आया। कोई ऐसा साल पिछले 30 वर्ष की मिलिटेंसी के दौरान नहीं गया, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक विद एविडेंस, क्योंकि आज का दौर एविडेंस बेस्ड हो गया कि जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कोई ना कोई नामुराद घटना ना घटी हो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, क्योंकि और हम भी वी हैड गॉट यूज्ड टू इट कि हाँ साहब ये तो है ही है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ शरारत करनी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इतना स्मूथली ये गया, और फिर कुछ लोगों ने ये शोर किया कि साहब कुछ एक नेता हिरासत में ले लिए गए। मैं तो समझता हूँ वो हिरासत भी नहीं था, वो तो हाउस गेस्ट थे, हाउस अरेस्ट भी नहीं था। जिस प्रकार से उनकी खातिर तवाजा चलती रही, जिसने ब्राउन ब्रेड मांगा उसे ब्राउन ब्रेड मिला, जिसने
जिम मांगा उसको जिम मिला, और अगर तुलना की जाए जो पहले होता रहा है तो यही सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार नहीं। शेख अब्दुल्ला को उठा करके 12 बरस कोड़े कनाल की जेल में फेंका था इतने दूर। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ इस तरह से घटा है, और उसके बाद तुरंत जो कहा जाता था कि साहब भूकंप आएगा और ना मालूम क्या हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। लॉकडाउन के तुरंत पहले तक श्रीनगर के बाजारों में, लाल चौक में ये आलम था, ये दृश्य था कि ट्रैफिक जाम लगा करता था। इसकी विजुअल्स, इसकी पिक्चर्स आती रही है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चर्स डोंट लाई, तो उसको बहुत ज्यादा उसकी तस्दीक करने की आवश्यकता नहीं। और अभी भी लॉकडाउन रिलैक्सेशन के बाद भी जिस प्रकार से श्रीनगर में बढ़ चढ़ करके भीड़ बाहर आनी शुरू हुई है, मैंने जैसे अभी कुछ ही दिन पहले कहा, उस समय भी कहा था कि इट वॉज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री विच हैज बीन अंडर। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को उसी तरह से कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मामले में को हैंडल करने की स्वतंत्रता दी होती, उस तरह से दूसरों प्रदेशों को, दूसरे राजवाड़ों को उन्होंने किया, तो शायद ये नौबत ही ना आती और ना ही पाक अधिकृत कश्मीर होता और ना ही ये समस्या होती और ना ही 370 इत्यादि। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने में एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि इसके बाद भी गुमराह करने की कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ था उस प्रकार की राजनीति से जो राजनीति 5 और 6 अगस्त के पहले आती रही, लोगों को उकसाने के लिए, गुमराह करने के लिए, यहां तक कि जम्मू के राष्ट्रवादी लोगों को भड़काने के लिए कहा जाने लगा कि साहब महाराजा हरि सिंह ने एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया था तो ये उसकी अवहेलना हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सच पूछिए तो बहुत बड़ा अंतर यह था कि महाराजा हरि सिंह भले ही उस समय जम्मू कश्मीर भारतीय गणराज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसमें तब भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके क्लॉज 3 में कि जिसमें ये मोहलत रखी गई थी कि यदि कोई बाहर का उद्योगपति, बाहर का कोई वैज्ञानिक जम्मू कश्मीर के काम आ सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, तो उसके लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसके लिए रियायतनामा होगा, उसके लिए इजाजतनामा होगा 10 साल पहले, और उसके बाद परमानेंट सिटीजनशिप देने का भी प्रावधान रहेगा। यही कारण है कि इतने इतने दिग्गज लोग, सर रामनाथ चोपड़ा जिन्होंने जम्मू में लेबोरेटरी स्थापित की जिसे आज IIIM की लेबोरेटरी कहा जाता है, कलकत्ता से सेवानिवृत्त होकर आए थे और महाराजा हरि सिंह ने उनको जम्मू में बसाया, उनको रहने के लिए जगह दी। रामायण सीरियल आजकल आप देख रहे हैं, रामानंद सागर श्रीनगर में, इनकी तमाम की तमाम चोपड़ा परिवार जिसमें हमारे विधु विनोद चोपड़ा भी शामिल है, ये इसी प्रकार आकर के वहां बसे। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय गणराज्य का हिस्सा ना होते हुए भी महाराजा हरि सिंह का स्टेट सब्जेक्ट लॉ उस समय का इतना लिबरल था कि वो अपना नुकसान नहीं होने देता था, और इसलिए कुछ एक परिवारों ने अपनी प्रभु सत्ता बनाए रखने के लिए भ्रम पैदा किया ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके और हम उस खला में, हम उस वैक्यूम में अपनी डोमिनेंस जमाए रखें पीढ़ी दर पीढ़ी। उसमें भी बहुत अधिक नहीं जाएंगे, सीधा हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आए तो 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को यूनियन टेरिटरी का गठन होता है, जम्मू कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख की एक। और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं और वाजे कर दूं कि द डिसीजन टू फॉर्म यूनियन टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बाय द होम मिनिस्ट्री वाज डन आफ्टर ड्यू डिलीजेंस एंड आफ्टर सीरियस एक्सरसाइज। ये नहीं था ऐसे कि साहब यूनियन टेरिटरी बना दिया, कुछ लोग उठ करके कहते हैं कि साहब हमारा दर्जा कम हो गया, हमारा स्तर कम हो गया, तो पहले कौन सा स्तर था उनको और इसका लाभ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को बनती है, अगले ही दिन लखनपुर की टोल पोस्ट हटा दी जाती है जिसको GST के बावजूद रखने का कार्य किया गया था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था और इलीगल भी था। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के मन को ये हमेशा बात ठकाती थी, उनको ठेस रहती थी कि GST के लागू होने के बाद भी वन नेशन वन कानून जम्मू कश्मीर में, वन नेशन वन टैक्स का कानून, विधान और नियम जम्मू कश्मीर में पालन उसका नहीं हो रहा, और एक ही दिन के अंदर कितना अधिक राशि का अंतर हुआ है, जो लाभ हुआ है, और 2 ही दिन के भीतर इस टोल पोस्ट के हटने से सीमेंट की कीमत 6,000 रुपया पर क्विंटल घट जाती है। तो आप मुझे बताइए कि कुछ एक लोगों के फायदे के लिए आपने डबल टोल टैक्स लगाया, लेकिन जो गरीब आदमी अपना मकान बना सकता है उसको सीमेंट की कीमत बढ़ती रहे उसकी कोई चिंता नहीं की, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो मोदी जी ने इतनी संवेदनशीलता से लाई थी उसका भरपूर लाभ ना पहुंचे। तो ये मात्र एक दिन में ये परिवर्तन आया, और उसके बाद दिन प्रतिदिन जहां तक सरकारी कर्मचारी थे
उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का कवर मिला, उनको एलटीसी का कवर मिला 48 करोड़ रुपया, तो उसी दिन लागू कर दिया गया। 800 ऐसे कानून थे केंद्र के जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए गए थे, जो कानून उनको सूट करते थे उनको लगा देते थे, जो नहीं करते थे नहीं करते। और देखिए कौन कौन से कानून थे जो नहीं लगाए गए थे, चाइल्ड मैरिज एक्ट। आप मुझे बताइए विश्व में कौन सा ऐसा देश होगा जिसको आपत्ति होगी चाइल्ड मैरिज एक्ट, क्योंकि आप किसी समुदाय विशेष को अपीज करना चाहते थे, खुश करना चाहते, आपको लगता था कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगाने से शायद वो नाराज ना हो जाए आपका वोट बैंक, तो इसलिए आपने इतना घरौना कानून जो देश भर में था जम्मू कश्मीर में नहीं लगने दिया। डाउरी एक्ट नहीं लगने दिया, कमाल हो गया। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का एक्ट, वो जम्मू कश्मीर में नहीं था। राइट टू एजुकेशन नहीं था। एल्डर्स की केयर का एक्ट है इसी सरकार ने निर्माणित किया था, वो नहीं था। और अब जो कानून लगाए भी, अच्छा इसके या तो फिर आपने कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया होता तो ऐसा भी नहीं था, जो जो आपको सूट करता था आप लगाते, तब आप 370 भूल जाते थे। उसका सबसे बड़ा एक बहुत ही नुमाया एक उदाहरण है कि सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी ने एक अमेंडमेंट लाया था, 42-43 अमेंडमेंट, जिसे कंसिडर्ड वन ऑफ द ब्लैकेस्ट अमेंडमेंट्स ऑफ द ब्लैकेस्ट इरा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जिसके तहत बहुत से और संशोधन लाए गए। उसमें एक ये था कि संसद का कार्यकाल और विधानसभाओं का कार्यकाल प्रदेशों का 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने उनको ये सूचना दी थी कि अभी अनुकूल वातावरण नहीं है उनकी पार्टी के लिए इलेक्शन में जाने का। मुरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसी को वापस 45-46 के तहत वापस संशोधित करके पुनः 5 साल अवधि कर दी गई। जब पहला कानून बना 5 साल से 6 साल अवधि बनाने का, वहां पर आपके मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला थे, तुरंत उसे अपना लिया। उस समय 370 की कोई परवाह नहीं की, लेकिन जब उसे मोड़ा गया तो देश भर में वापस पुनः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 तक 6 साल ही बना रहा। तो कभी आपको 370 याद आ, तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि वो लोग जो इस भ्रम में थे कि 370 उनके हित में है या अभी भी सोचते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि 370 के नाम पर ही उनको ठगा गया और इट वॉज सिलेक्टिवली यूज्ड। अब उसके बाद क्या हुआ, जो कानून लगाए भी गए थे और जो अब सही माने में लगे हैं पिछले 2-4 महीने में, वो भी पूरी तरह से नहीं थे। उदाहरण के तौर पर एंटी करप्शन का एक्ट इनका अपना था, जिसके कारण इतने स्कैंडल हुए, चाहे वो जेके बैंक का स्कैंडल है जो आप रोज अखबार चारों पढ़ते हैं। अब पहली बार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लगा, जिसको संशोधित किया था हमारी सरकार ने, इसी विभाग ने डीओपीटी में 2018 में, उसमें अब रिश्वत देने वाला भी बराबर का कसूरवार माना जाता है। कैट की ज्यूरिसडिक्शन अब बनी है वहां पर जाकर के, पहले नहीं हुआ करती थी। और अब जो डोमिसाइल का कानून, जिसकी नोटिफिकेशन 2 ही दिन पहले निकली है, उसके अंतर्गत जो पाकिस्तान उस समय के पश्चिम पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे पिछले 70 वर्ष में, ना नागरिकता का अधिकार ना वोट देने का अधिकार है, भला आज के युग में ऐसा आप विदेश चले जाए तो वहां आपको कुछ वर्षों के बाद नागरिकता मिल जाती है। और यही वर्ग है जिसके दो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री इंद्र कुमार गुजराल, क्योंकि इसलिए क्यों उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर के बसने की नासमझी नहीं की, और जो जाके बस गए वो वोट देके अधिकार से वंचित हो गए। भला ये कहाँ का अन्याय था, कहाँ की इंसानियत थी। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर वालों को उनके पूरे अधिकार नहीं दिए गए। और आज मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, और अरुण जी 6 महीने के बाद ये बात हम फिर से तस्दीक करेंगे, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं इस डोमिसाइल लॉ का जो परसों ही आया है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप उनके बच्चों को अलग कमरे में बिठा करके सर्वे करिए, उनके बच्चे हमें तो आए देंगे। यदि आज नहीं देते तो धीरे धीरे जैसे उनको समझ आएगी, उनको पता चलेगा कि इस उभरते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहां ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा बनने जा रहा है हिंदुस्तान, विश्व मूर्ति बनने जा रहा है, तो ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल मापदंडों पर अपने आप को उतारने के लिए ये एक मेन स्ट्रीमिंग का काम करेगा। ये जो विरोध कर रहे हैं इनका स्वार्थ हो सकता है, लेकिन इनके विरोध के बावजूद इनके बच्चों का भला करने का कार्य हमने किया, आने वाला समय और द हिस्ट्री विल विंडिकेट अस। और इसलिए मैं शुरू शुरू में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, बिकॉज वी हैड गॉट कंडीशन रेट ऑफ, जैसे जैसे जेम का पोर्टल वहां नहीं था। देखिए अगर किसी गरीब को फायदा मिलता है, किसी छोटे ट्रेडर को फायदा मिलता है, तो इसमें क्या नुकसान है, लेकिन चंदे के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने वहां नहीं लगाया था। अब शुरू में उनको दिक्कतें आई, उनको समझाने का कार्य होना चाहिए कि भाई देखिए आपको धीरे धीरे यूज होने का वक्त मिलेगा, लेकिन आगे चल करके जब आप ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे तो भले आप आइसोलेशन में काम कैसे कर सकते हैं। और
आपने संस्थान तो बना दिए, एक नहीं दो दो एम्स। मोदी जी की फराग दिली देखिए, जम्मू कश्मीर इज दी ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज नॉट वन बट टू एम्स। बहुत सारी यूनियन टेरिटरी तो ऐसी है कि जहां एक भी एम्स नहीं है। एक चंडीगढ़ में पीजीआई है, एक मेरे ध्यान में आता है पांडिचेरी में जिपमेर है, उसके अतिरिक्त इस तरह का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है। लेकिन वहां दो एम्स बन गए, लेकिन इमारतें बन गई, लेकिन ना टीचिंग इंस्टीट्यूट बन सका ना अस्पताल बन सका, क्योंकि आपने ऐसी शर्तें रखी थी कि बाहर से कोई फैकल्टी आने को तैयार नहीं थी। आठ आठ मेडिकल कॉलेजेस है, तीन मेडिकल कॉलेजेस तो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले पांच सालों में बने। अब इस परिवर्तन के बाद यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी। हमारे यहाँ से एक्सोडस बच्चों का क्यों होता था, क्यों जाते थे बाहर नौजवान, कभी हमने इस बात को शोध किया? आप तो राजनीति करते रहे, लेकिन इसलिए जाते थे प्राइमरीली फॉर टू रीजंस। एक, इन सर्च ऑफ हायर एजुकेशन, बी, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। हायर एजुकेशन, आपके पास आठ आठ मेडिकल कॉलेज, आपके पास दो दो तीन तीन इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके पास दो दो एम्स, फिर भी आपके बच्चे पुणे बंगलोर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो दो शब्द पढ़े हैं जो हमें नहीं पढ़ाए गए थे, और वो है जॉब प्लेसमेंट। आपके कैंपस में ना कोई कैंपस इंटरव्यू आता है, ना आपके यहाँ फैकल्टी है। अब उस चीज में बदलाव आएगा एंड यू विल बी पार्ट हमारे बच्चों के लिए। आई थिंक दिस इज गोइंग टू ओपन अप न्यू एवेन्यूज। इसी प्रकार जब वहां इंडस्ट्री लगेगी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए तो डोमिसाइल की काफी रियायतें भी हैं, इमीडिएटली वो लगा सकते हैं, तो आपके बच्चों को वहीं पर रोजगार के साधन मिलेंगे। हमने ये करके दिखाया, पूर्वोत्तर में भी और इस व्यवस्था में भी होगा। पंचायतों का देखिए, 73 और 74 अमेंडमेंट वहां पर लागू नहीं हुआ था, अब लागू हो चुका है। राजीव गांधी ने लाया था, कांग्रेस सरकार ने लाया था, लेकिन विडंबना ये कि कांग्रेस गठबंधन में रही जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये फिर भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लगभग 6,000 करोड़ की राशि पंचायतों के लिए और 4,000 कुल की राशि म्युनिसिपल काउंसिल्स के लिए, कुल मिलाकर के 10,000 करोड़ की जो राशि पहुंचती जम्मू कश्मीर में, अगर 73-74 अमेंडमेंट पूरी तरह से लग जाए तो सीधी सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जाएगी, सरपंचों के पास जाएगी, काउंसलर्स के पास जाएगी, कॉरपोरेटर्स के पास जाएगी। इसलिए उसको नहीं लगाया गया ताकि वो मंत्रियों के पास रहे और वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अनुकूलता अनुसार उसका वितरण करें, कितना करें, ये भी उसके ऊपर छोड़ दिया गया। आज कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां पर पहली किस्त 1-1 करोड़ तक की पहुंच गई है। और सही सशक्तिकरण, मैं तो ये कहूंगा कि वो पार्टियां जो सेल्फ रूल की बात करती थी, जो पार्टियां ऑटोनॉमी की बात करती थी और लोगों को बहलाती रही, ये सेल्फ रूल और ये ऑटोनॉमी सही माने में मोदी जी ने की दिखाई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझाने का पहली बार काम हुआ कि सेल्फ रूल का असली अर्थ क्या है। सेल्फ रूल, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक कोई और भी विश्लेषक समझेगा, उसका अर्थ है कि जो सेल्फ से पैदा हो, जो जमीन से उपजे। ऑटोनॉमी फॉर होम, ऑटोनॉमी फॉर सेल्फ, ऑटोनॉमी फॉर द फैमिली, एंड सेल्फ रूल फॉर होम, रूल ऑफ द सेल्फ। लेकिन सही माने में सेल्फ रूल ऑटोनॉमी है जो ग्रास रूट से होगे, और उसका प्रारंभ अभी पिछले 3-4 महीने में हुआ। उससे पहले तो सिर्फ सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात करती रही ये पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे लोगों को वंचित रखा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि ज्यादा बात ना करके मैं चाहूंगा कि हम इंटरेक्ट करें, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा और उपलब्धि ये हुई है कि जहां जहां हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए थे उनको भी गति मिली है। एक बहुत बड़ा लाभ जिसका आने वाले समय में लगभग एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद पता चलेगा कि 70 वर्ष की इस तरह की विचित्र राजनीति ने हमारे अंदर, हमारी मानसिकता में एक गुलामी का आलम डाल दिया था। A sense of slavishness, a sense of defeatism, a sense of pessimism, धीरे धीरे वो जाती रही। और equitable distribution of resources and equitable sense of confidence, वो अब पहली बार आया। रुके हुए प्रोजेक्ट थे आपके, शाहपुर गड्डी मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख लीजिए, 40 साल से रुका हुआ था, अब जाकर के शुरू हुआ है, जिससे कंडी का नाम कंडी नहीं रहेगा, इरीगेशन हो जाएगी। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कितने प्रयास के बाद 30-40 साल से रुका, अब शुरू हो गया। आज ही समाचार पत्रों में आपने पढ़ा पावर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 624 मेगावाट का खीरू प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में, पकड़ लग, अगर मैं नाम ले लेंगे तो सारा दिन गुजर जाएगा। ये सब क्यों रुके थे? सवाल ये नहीं है कि नए नए काम कौन से शुरू हुए हैं इस परिवर्तन के बाद, सवाल ये है कि वो काम जो रुके हुए थे क्यों रुके हुए थे। यानी दूसरे शब्दों में, ना केवल जम्मू कश्मीर को भारत की इस विकास यात्रा से वंचित रखा गया, बल्कि जो विकास के कार्य पहले से चल रहे थे उन पर भी अंकुश लगाने का कार्य किया गया, ताकि उस एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन और स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन के वो आलम में जिंदगी गुजारे और उनके ऊपर ये चंद एक परिवार अपनी हुकूमत जमाए रखे। देविका का प्रोजेक्ट है सुंदरीकरण का, गंगा के बाद पहला प्रोजेक्ट, ये भी उधमपुर में शुरू हो चुका है। बंकर्स का काम,
4%, मैं केवल उदाहरण दूंगा क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, आपने सीमा पर रिजर्वेशन दिया लेकिन LOC को दिया, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया, क्योंकि वहां पर क्या है कि सीमा का आधी सीमा का नाम LOC है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, जो रजौरी पुंछ इत्यादि की तरफ है, और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कठुआ और जो पाकिस्तान के साथ लगता है, उसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां से आपको वोट नहीं मिलता था। आपने बच्चों के साथ वोट की राजनीति की, यू डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन वन पार्ट ऑफ द बॉर्डर द अदर पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन वन सेट ऑफ चिल्ड्रन अदर सेट ऑफ चिल्ड्रन, पहली बार उनको न्याय देकर के पूरी सीमा के ऊपर एक समान 3-4% लगा दिया गया। लेकिन बाद में यह हुआ है कि जिस प्रकार से प्रशासन चला है लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने के बाद, विशेषकर लगभग 6 महीने पूरी तरह इंटरनेट बंद था, मोबाइल नेटवर्क अगस्त के बाद, उसके बावजूद 3.5 लाख परिवारों तक आयुष्मान का लाभ पहुंचा और जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पर आया है जहां तक आयुष्मान का स्कीम का संबंध है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 में केवल 1008 मकान बने, लेकिन 2019 में यही संख्या 18 गुना बढ़कर के 18,534 हो गई। शौचालय 2.5 लाख, अगर ये आंकड़ों में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि अब हम प्रधानमंत्री ने ये भी एक निर्देश जारी किया और वहां पे सेंस ऑफ वेलबींग आए तो 8 मंत्रियों का दौरा किया गया, 35 मंत्रियों का दौरा हुआ, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के कारण वो श्रृंखला रुक गई। प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि जिस प्रकार से हमने पिछले 5 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया था, वही तवज्जो पूर्वोत्तर वाली तवज्जो अब जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए, इसलिए उन दौरों की व्यवस्था की गई और नॉर्थ ईस्ट पिछले 6 वर्षों में एक रोल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनकर के सामने उभरा है। यदि हम नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर सकते हैं तो भला जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, वहां ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स थी, कंस्ट्रेंट्स ऑफ कनेक्टिविटी, कंस्ट्रेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इतना ही नहीं था, वहां पर जब हम 2014 में पहुंचे तो मिलिटेंसी का ये आलम था कि जब हमारी गाड़ी नीचे से जाती थी तो पहाड़ों के ऊपर से फायरिंग होती थी, वहां मिलिटेंट ये जतलाने की कोशिश करता था कि मैंने आपकी गाड़ी देख ली है, ये ना समझिए कि मैंने आपको नोटिस नहीं किया, हाँ मैं आप पर फायर नहीं कर रहा। ये वो यहाँ वाली मिलिटेंसी नहीं थी जम्मू कश्मीर वाली कि एक भाई मिलिटेंट है और दूसरा भाई कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नौकरी कर रहा, ये उस प्रकार के आलम से। और रोड ब्लॉकेट हुआ करते थे 3-4 महीने मणिपुर में, दूसरे प्रदेशों में, उससे हटकर के आज पूर्वोत्तर एक मेन स्ट्रीम डगर पर आज आया है। और मुझे विश्वास है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर में ये बदलाव लाने में और लद्दाख में ये बदलाव लाने में उससे भी कम समय लग गया। आप कोरोना के समय देख लीजिए, सबसे पहले लद्दाख में चिंता बनी थी, वहीं पे पॉजिटिव आने लगे क्योंकि ईरान की एक टोली वापस लौटी थी अपनी यात्रा करके। आज लगभग लद्दाख कोरोना फ्री हो चुका था, एक केस उसका पिछले 1-2 दिन में आया, इसलिए फिर से उसको थोड़ा सा फिर से क्वारंटाइन इत्यादि की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ा। एयर कार्गो सबसे पहले लद्दाख पहुंचा, इस प्रकार की प्राथमिकता के साथ चिंता की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से। मेडिकल कॉलेज वहां पर बनाया गया, यूनिवर्सिटी वहां पर बनाने का कार्य शुरू हुआ, ऐसा पहले कभी भी हो सकता था लेकिन क्यों नहीं हुआ, सवाल ये पैदा होगा। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि आने वाले 1-2 वर्ष में, और जहां तक कहा जाता है कि साहब वो नौकरियां कहाँ गई, मैं आपके साथ आपके माध्यम से सभी अपने युवाओं साथियों को कहूंगा आप थोड़ा समय दीजिए, आज ही घोषणा हुई है 10,000 नौकरियों की, और अगले आने वाले समय में इसी प्रकार से श्रृंखलाबद्ध तरीके से और भी नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ किसी भी जिम्मेवार सरकार का दायित्व ये नहीं होता कि वो केवल सरकारी नौकरी दे, बल्कि उसका दायित्व होता है कि टू प्रिपेयर द कैपेसिटी फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, नॉट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बट टू क्रिएट एम्प्लॉयबिलिटी। और साथ ही साथ जैसे हमने पूर्वोत्तर में वेंचर फंड इत्यादि लगा करके बैम्बू को एक इतना बड़ा बढ़ावा दिया जिससे लोगों के अंदर सेल्फ लाइवलीहुड के नए आयाम पैदा हुए, अवसर पैदा हुए, वैसे जम्मू कश्मीर में हो सकता है। पहली बार पूर्वोत्तर से बाहर बैम्बू का वर्कशॉप 3 दिन के लिए जम्मू में लगाया गया, लोगों के ध्यान में तक नहीं था कि कितने बैम्बू रिजर्व जम्मू में मौजूद है, कठुआ जिला में ही बैम्बू का एक रिजर्व मौजूद है। तो इस प्रकार से आने वाले समय में जब खुले मन से ईमानदारी के साथ निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ और एक ऐसी सरकार रहेगी जिसकी जवाब तलबी मोदी सरकार के आगे रहेगी, प्रधानमंत्री के आगे रहेगी, तो कोई कारण नहीं कि हम इस परिवर्तन को लाने में बहुत जल्द सफल होंगे। और साथ ही साथ मैं बात
क्योंकि चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अपनी बात समाप्त करते हुए कह दूं कि अगर हमारा अगला लक्ष्य कोई रहेगा तो ये रहेगा कि किस प्रकार से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके, जिसे हम मानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना करके उसी स्वरूप में जम्मू कश्मीर को बहाल करेंगे जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करते हुए भारत को सौंप करके गए थे। और ये इसीलिए संभव होगा कि अब एक ऐसा निजाम होगा, एक ऐसा प्रशासन होगा जिसमें ईमानदारी है। आखिरी एक आंकड़ा दे दूं आपको, 2017-18 की यदि आप बात करें तो तब भी एवरेज भारत सरकार की ओर से एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जो राशि गई थी वो थी ₹8,227,8,227, लेकिन जम्मू कश्मीर को 3-4 गुना ज्यादा, 27,358 पर सिटीजन, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तरक्की नहीं हो पाई। ये कहां जाता रहा पैसा, आने वाले समय में इसका भी हिसाब होगा, और जब यौमे हिसाब भी होगा और यौमे तरक्की भी होगी तो मुझे विश्वास है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, तो 3-4 पीढ़ियां तो गुजर गई लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। एक सवाल जो बहुत लगभग 60% जो हमारे पास सवाल आए उनमें एक ही सवाल आ रहा है कि अब वर्तमान स्थिति में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर सरकार का क्या नजरिया है, क्या कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो डोमिसाइल का लॉ आया है उसके चलते कश्मीरी पंडित समाज के लिए बहुत बड़ी राहत है, और न केवल भारतवर्ष में रहने वाले कश्मीरी पंडित बल्कि पिछले 3-4 दिन में मेरे पास अनेकों ऐसे मैसेज भी आए, वीडियो मैसेज भी आए न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, विश्व भर में कई कई बरसों से रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने इस डोमिसाइल लॉ के आने के बाद अपनी सेटिस्फेक्शन, अपना संतोष भी जाहिर किया है। और मुझे विश्वास है कि एक तो पहली बात ये कि कोई पाबंदी नहीं रही, कोई मजबूरी नहीं रही, और जिस तरह से इक्विटेबल प्रशासन वहां दिया गया है उनको उस तरह की वो जो एक एहसास कमतरी जिसे बोलते हैं कि सेंस ऑफ बीइंग इंफीरियर टू अदर सिटीजन, वो नहीं रहेगा। पुनर्वास का जहां तक संबंध है दोनों चीजें मिली जुली हैं, सरकार की ओर से तो प्रयास है ही, जारी भी रहेगा, और जितना ईमानदारी से मोदी सरकार की तरफ से होगा इतना कभी हो भी नहीं सका। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा स्थिति भी अब बहुत जल्दी से बदलेगी, ये बात छूट गई मेरे से कहने को क्योंकि बहुत लंबा होता, कि जहां तक मिलिटेंसी का संबंध है, आई एम कॉन्फिडेंट दिस इज द लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। ये जो अब घटनाएं हो रही हैं ये इन डेस्परेशन मिलिटेंट दौड़ते हुए कुछ ना कुछ वारदातें कर रहे हैं, और जब वातावरण ठीक होगा, जब सुरक्षा स्थिति ठीक होगी तो बहुत सरल हो जाएगा सरकार के लिए भी वहां व्यवस्था करना और स्वयं कश्मीरी पंडित समाज के लिए भी वहां जाना। दूसरा सवाल, जो दूसरा मुद्दा जिस पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में ही जो उसका पर्यावरण है और जो वहां की संस्कृति है वो वहां की समृद्धि का और विकास का मूल आधार जो है वो रही, और पिछले 370 हटने से पहले, 370 वाली परिस्थिति में परिवर्तन होने से पहले और पुनर्गठन जब हुआ इनका, उससे पहले जो है इन दोनों ही चीजों की बड़ी जो है वो उपेक्षा हुई। तो अब जो है रिवाइवल ऑफ द कल्चर एंड द एनवायरनमेंट स्पेशली, तो इसकी दिशा में आपको क्या लगता है कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं समझता हूँ कि बहुत ये चिंता वाजिब है, इसमें औचित्य है, और मैं तो आई विल गो वन स्टेप फर्दर, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि ये जो कल्चरल इरोजन यदि हुआ भी है तो ये मात्र किसी घटनाक्रम के चलते नहीं हुआ, इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र रहा, एक इस तरह की डेमोग्राफी चेंज करने का इरादा रहा। और मुझे ये बताइए कि जो लोग कश्मीर की कश्मीरियत की बात करते हैं, कश्मीरी कॉम्पोजिट कल्चर की बात करते हैं, जब उन्होंने कश्मीरी पंडित को वहां से भाग निकाड़ के बाहर फेंक दिया तो भला कश्मीर की संस्कृति कहां रही? क्योंकि कश्मीर के कॉम्पोजिट कल्चर की सबसे बड़ी खासियत हाईलाइट ये थी कि ये मिश्रण था दोनों ही संस्कृतियों का। तो कल्चरल इरोजन करने के पीछे एक षड्यंत्र रहा, लेकिन मुझे विश्वास है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में ऐसा कभी नहीं होगा, और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, एक एक दिन में परिस्थितियां बदलेंगी। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा, संस्कार बदलने में 3 पीढ़ियां लगती हैं, 3 तो नहीं लेकिन 1 पीढ़ी बदलेगी। जैसे मैंने कहा, अगली पीढ़ी यदि आज कुछ स्वार्थ के कारण, कुछ मजबूरी के कारण हम कुछ
कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे विश्लेषक हैं, इनके बच्चों को पूछिएगा आज से 20 वर्ष बाद वो बच्चे हमें दुआएं देंगे। और एनवायरमेंट का भी वही रहा है, जानबूझ करके एनवायरमेंट का खलल किया गया, हमारे ही बीच के नेता लैंड ग्रैबर्स बन गए, हमारे ही बीच के नेता फॉरेस्ट काटने लगे, और वो कहते हैं कि बागवान बन के उठे और चमन लूट लिया। तो जब चमन का माली ही लुटेरा बन जाए चमन लूटने के लिए तो भला कैसे बचाव होगा। लेकिन अब वो पूरी तरह बदलेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पिछले 5-6 महीने में विशेषकर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बाद जो बदलाव आया है और जिस तीव्र गति से बदलाव आ रहा है, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा क्योंकि वो दे वर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ, वो एक बड़े कंफर्ट जोन में वो रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ न्याय होगा। इंटरव्यू की प्रथा हमने मोदी जी के कहने पर भारत में समाप्त कर दी थी, वहां क्यों नहीं समाप्त हो रही थी? बार बार कहा, मैं DOPT के साथ संबंध रखता हूं, दर्जनों बार तो मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, लेकिन क्यों नहीं हटाया गया? इसलिए नहीं कि रिटर्न टेस्ट में जो बच्चा 95% नंबर लेता है उसको वाइवा में ओरल में 5% दे करके छोड़ दो और जहां से रिश्वत लिया उसको लगा दो। अब वो बात समाप्त हो गई। कुछ एक लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ पैसे लेने वालों को भी दे हो रही है, जो पैसे देकर लगते थे दोनों तरफ हो रही है। लेकिन अगर एक भी गरीब को न्याय मिलता है, मैं तो ये कहूंगा और सभी अपने बाकी साथियों से भी कहूंगा, यदि एक बच्चा या एक बच्ची गरीब परिवार से आकर के अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपने परिश्रम के बलबूते पर रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करके सिलेक्ट होती है या होता है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे भले ही 10 प्रदर्शन हमारे खिलाफ होते रहे। एक सवाल और जो है वो काफी कि कश्मीर में दलितों और महिलाओं इन दोनों की स्थितियों में जो है ये पोस्ट आर्टिकल 370 में जो है वो क्या फर्क आया है, क्योंकि ये शायद सबसे ज्यादा प्रभावित वर्गों में जो है कश्मीर की बेटियां जो है वो और कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में जो दलित है, तो उनमें क्या फर्क जो है उनके लिए ग्राउंड लेवल पे क्या फर्क आया? सबसे पहली बात तो ये, मैंने कहा रातों रात ही परिवर्तन आ गया, जो 35 से हटने से वहां की कन्याओं को, वहां की बेटियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा गया था। और मैं नाम नहीं लेना चाहता सार्वजनिक तौर पर, कम से कम हमारे 2-3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी बेटियां इस नागरिकता के अधिकार से वंचित हो। इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं, लेकिन सबके ध्यान में आ जाएगा। हमारे केंद्र में ऐसे रहने वाले नेता हैं, लेकिन राजनीति की मजबूरी इस तरह सी, जैसे उसने इकबाल ने कहा है कि जरिया मुआश ने गला घोड़ दिया कि बेटी को भी अपनी को घर के परिवार की बेटियों को भी वंचित कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारा परिवारवाद और हमारी डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती रहे। आज वो समाप्त हो चुका है। महिलाओं में बहुत हद तक राहत हुई है। डाउरी का कानून जो मोदी जी ने लाया, जेंटी डाउरी, और जो ये ट्रिपल तलाक का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं था, अभी 4-6 महीने से लागू हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा सारे सेंट्रल लॉज लागू हो गए। और अगर ये परिस्थिति ना बदलती, अगर ये संवैधानिक परिवर्तन ना होता और अगर ये यूटी भी ना बनती तो शायद ये संभव ना होता। ये लाभ हुआ है क्योंकि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनके प्रैक्टिकली ये चीजें आई हैं। मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, कन्याओं के लिए बहुत, दलितों की बात की आपने, यही एक इलाका था पहले अर्सवाइल स्टेट के जहां पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी शेड्यूल ट्राइब के लिए, अब वो लागू हो चुकी है। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए आपने जहां जहां पद रखे उनको भी पूरी तरह से भरने नहीं दिया, उसको सिलेक्टिवली किया। तो पहली बार दलित महिलाएं, सो जिसको आप वीकर सेक्शन कहते हैं, वंचित, पीड़ित, शोषित समाज के वो वर्ग जो किसी ना किसी तरह से भारत की मुख्य धारा से छूट गए थे, और छूटे भी इसलिए नहीं थे कि वो जैसे शेर है कि बदल गई तेरी मंजिलें और बिछड़ गया मैं भी कारवां से, वो जानबूझ के बेचारे कारवां से नहीं बिछड़े, अलग हुए थे, और ना ही उनकी मंजिलें दूसरों की बदली थी, जानबूझ करके उनको कारवां से अलग रखा गया ताकि हिंदुस्तान में जो तरक्की हो रही है उसकी रोशनी से उनको महरूम रखा जाए, उनको वंचित रखा जाए, और कुछ एक लोग अपनी प्रभु सत्ता, अपना डोमिनेंस बनाए रखें। अब देखिए राजनीति में भी परिवर्तन आएगा, जिस प्रकार से पंचों सरपंचों के चुनाव हुए हैं पहली बार, पहले तो कहा सकता है कि साहब पंचायत का चुनाव हो ही नहीं सकता, कितना पुरअमन तरीके से शांतिपूर्वक हुआ है और सही लोग चुन करके आए हैं, यही आने वाली नस्ल में, आने वाले समय में यही सही माने में इस जम्मू कश्मीर
या लद्दाख के नेता भी होंगे और प्रतिनिधि भी होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दादा फिर पिताजी फिर बेटा, और बेटे के पैदा होने से पहले ही उसका जन्म कुंडली बन जाती थी कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सारा कुछ 3-4 महीने में हुआ है, इसका एहसास होने में वक्त लगेगा। मैंने कहा एक पीढ़ी लग सकती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय हमारे पास शॉर्ट है, आप जम्मू कश्मीर में क्या एक नए राजनीतिक संस्कृति का उदय भी देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि, और सभी को सभी जानते भी हैं कि एक कुछ परिवारों ने जो है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को अपनी जेबी राजनीति, एक तरीके से जेबी स्टेट बना लिया था अपनी राजनीति करते हुए, उन्हीं के बीच में जो है वो डाइस रोल करता रहता था। तो अब एक नई, क्योंकि पंचायतों में कुछ नई पार्टियां भी बनी हैं, तो ओवरऑल एक नए पॉलिटिकल कल्चर का उदय आप जो है वो देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे पूर्वोत्तर में भी हुआ था, जब मैं पहली बार 2014 में पूर्वोत्तर में पहुंचा तो मेरे साथ एक बड़े दिग्गज नेता भी, मेरे पहुंचने के थोड़ी दिन बाद वो पहुंचे, तो उन्होंने पहली बात कही कि जितेंद्र सिंह, मैं तो चौंक गया यहाँ आकर के। मुझे किसी अखबार वाले ने कहा कि आर यू अ लीडर फ्रॉम इंडिया। तो ये बात चूंकि जानबूझकर हमारे राजनीतिज्ञों ने ही ये खला बना करके रखी थी टू रूल इन आइसोलेशन, जैसे आपने आजकल क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, तो उन्होंने हमें क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था जम्मू कश्मीर को। और इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट एक तो यह हुआ, जैसे आपने ठीक कहा, चंद एक परिवारों के हद तक रही, तो वो दैट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। दूसरा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वैसे तो सेल्फ रूल की बात करते हैं, नॉर्मली वो भी नहीं होने थी, अब माहौल खुला है। दूसरी बात ये कि इसके चलते पिछले 60-70 साल में जो क्षेत्रवाद शुरू हुआ, रीजनल इम्बैलेंस, जम्मू के लोगों को लगता था कि सारा कुछ कश्मीर में जा रहा है क्योंकि कश्मीर केंद्रीय राजनीति है, लद्दाख को ऐसा लग रहा था कि मेरे हिस्से का भी सारा उसी तरफ चला जाता है, तो उनके अंदर एक एहसास कमतरी भी आया, सेकंड सिटीजन होने का भी भाव आया, एक स्लेविश मेंटेलिटी भी आई कि साहब यहां पर तो अगर अपनी अपनी जीविका को प्राप्त करना है और अपना अपना जीवन गुजर जाए सरलता से, तो उसका यही है कि सर झुका करके जिए उसका भी। और जैसे कहते हैं कि बच्चा जो है वो सीखता कहकर के नहीं सीखता, वो वॉच करके सीखता। यू कैन नॉट सर्वनाइज दी चाइल्ड, ही लर्न्स बाय योर प्रैक्टिस। तो जब हम खुद सर झुका करके गुजर गए तो बच्चे ने भी यही सीखा, इसलिए जम्मू की मानसिकता पर भी बहुत इसका प्रतिकूल असर पड़ा है जो हमारा राजनीतिक वहां पर एक कल्चर रहा। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे अभी भी उसमें से निकलने की बड़ी मुश्किल हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे कुछ युवा लड़के आए, तो उन्होंने इम्तहान दिया हुआ था रिटन टेस्ट और उनके शायद सिलेक्शन भी होने वाली थी, तो मुझे कहते हैं सर बाकी सब ठीक हो गया, लेकिन अब ये है कि कहीं लिस्ट ना बदल जाए और सारे कश्मीर वाले आ जाए। तो लद्दाख वाले भी ऐसे ही कहते हैं, मैंने कहा बेटा जो बदलने वाले थे लिस्ट में वो तो चले गए, आधे जेल खाने में है आधे वीराने में, तो तुम्हें किसकी चिंता है। तो क्या है कि हमारे मन से अब 370 हट गया, ये अभी नहीं जा रहा, और इसका असर जैसे जैसे हमारे सामने आएगा, हमारी जीवन शैली को वो प्रभावित करेगा, उसमें उसका अक्स आने लगेगा, तो हमें इसका सही माने में स्वयं एहसास होगा। और फिर हमें एहसास होगा, लेकिन पहले क्या आलम था कि जम्मू कश्मीर से कोई बालक बाहर आता था तो उसको बड़ी अजीब नजर से देखते थे सारे हिंदुस्तान भर में, कहते भाई ये अच्छा तो जम्मू कश्मीर आया स्पेशल स्टेटस, तो जो जम्मू कश्मीर वाला बाहर जाता था वो भी अपने आप को अलग महसूस करता था। देयर वाज अ साइकोलॉजिकल बैरियर आल्सो, सो 370 आल्सो क्रिएटेड साइकोलॉजिकल बैरियर्स व्हिच वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वेस्टर्न इंटरेस्ट। तो ये सारी जब चीजें बदलेंगी तो मैं ये कहूंगा इस प्रश्न के उत्तर में कि ना केवल पॉलिटिकल कल्चर बदलेगा बल्कि हमारी सोशल मिलियो बदलेगी, हमारा सोशल कल्चर बदलेगा, हमारी मानसिकता बदलेगी। डॉक्टर सिंह, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और मुझे लगता है कि एक सेशन हमें और करना पड़ेगा क्योंकि इतने सवाल जो है वो आ रहे हैं, और शायद उसका एक कारण ये भी है कि मुझे लगता है कि आप, मैं बहुत से पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से भी रहा हूँ, बहुत से लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, मॉडरेट करता हूँ, लेकिन आम आदमी की भाषा में बात करना, और ये भी एक मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपने किया, क्योंकि ये जटिल विषय है और इस विषय को आपने जो है बड़े अच्छे से जो है हमारे साथ जो है वो शेयर किया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी साथियों का धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया जी। नमस्कार।